नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर के शेरकोट से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फैद की खास रिपोर्ट। शेरकोट नेशनल हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब अफजलगढ़ इंस्पेक्टर की सरकारी गाड़ी को शेरकोट नेशनल हाईवे पर गन्ने से भरे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें इंस्पेक्टर सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। आपको बता दें, गाड़ी में इंस्पेक्टर सहित 5 पुलिसकर्मी सवार थे। उधर सड़क हादसे की सूचना मिलते ही अफजलगढ़ थाने में हड़कंप मच गया, जिसके बाद थाने का स्टाफ घटनास्थल पर पहुंचा और घायल पुलिसकर्मियों को थामपुर CSC में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि अफजलगढ़ इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह क्राइम मीटिंग में शामिल होने के लिए बिजनौर जा रहे थे। इंस्पेक्टर के साथ कार में कांस्टेबल रवि मलिक, सचिन, आसिफ, रमेश एवं एक अन्य सिपाही सवार थे। इस दौरान जैसे ही गाड़ी शेरकोट नेशनल हाईवे पर गांव घोसेवाला के पास पहुंची, तभी गड्ढा सेंटर से गड्ढा भरकर हाईवे पर चढ़ रहे ट्रक ने अफजलगढ़ इंस्पेक्टर की गाड़ी में टक्कर मार दी, जिसमें गाड़ी सवार सभी लोग घायल हो गए, जिनको थापुर CSC में लाया गया। वहीं शेरकोट पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस क्षेत्राधिकारी शुभ सूचित ने बताया, कल दिनांक 18 तारीख शाम के समय प्रभारी निरीक्षक अफजलगढ़ श्री योगेंद्र सिंह सरकारी काम से बिजनौर आ रहे थे। शेरपुर थाना क्षेत्र पर नेशनल हाईवे में अचानक बाई तरफ से गन्ना लदा ट्रक आया था, जिसने सरकारी गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे योगेंद्र सिंह और मुख्य आरक्षी रमेश को चोटें आई थी, जिन्हें उपचार हेतु CSC धामपुर ले जाया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था, ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं। गाड़ी भी थोड़ी सी डैमेज हुई है, इस संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।